Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see instrument, or you can say that a surgical instrument, that is Sims Vaginal Speculum. Normally हम इसे Sims Vaginal Speculum बोलते हैं, but इसका complete name है Sims Double Bladed, दो blade हैं इसके पास, Sims Double Bladed Posterior Vaginal Speculum. This is the full name. ओके, तो सिम्स इसका नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक हमारे जे मैरियन सिम्स जो थे, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवर किया था, राइट? इसके अलावा डबल ब्लेडेड क्यों है? क्योंकि इसके पास दो ब्लेड हैं. हालांकि ये दो ब्लेड अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है? क्यों अलग अलग साइज के होते हैं? एक देख लो, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, राइट? आपको दिख रहा होगा ये ब्रॉड होता है, एंड दूसरा थोड़ा सा नैरो होता है. ओके, तो मैं दूसरे में भी आपको दिखा देती हूँ, ब्रॉड एंड नैरो का डिफरेंस आप देख लो एक बार. देखो, एक आपको एक थोड़ा सा आपको ब्रॉड दिख रहा होगा, ठीक है? एक थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा होगा ये वाला, और एक नीचे थोड़ा सा पतला नैरो दिख रहा होगा. क्यों? क्योंकि ब्रॉड वाला हम उन वुमेन्स के अंदर डालते हैं या वजाइना के अंदर डालते हैं जो कि कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, ठीक है? जो कि कई बार डिलीवरी कर चुकी हैं, डिलीवर कर चुके हैं बेबीज को. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मतलब डिलीवरी करते हैं, उस टाइम पे वजाइना थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में. तो ब्रॉड वाला हम उन मदर्स में डालेंगे जो कि कई बार डिलीवर कर चुके हैं, और नैरो वाला उनमें डालेंगे जिन्होंने एक बार भी डिलीवरी नहीं की है या एक बार डिलीवरी की है, तो हम उनमें डालेंगे, ठीक है? इसके अलावा इसको इंसर्ट कैसे करते हैं? इसको इंसर्ट आप डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है? सबसे पहले आपको इसको लेटरल पोजीशन में रखना है. दिस इज योर वजाइना, मान लो ये वजाइना है. आप इसको लेटरल पोजीशन में ऐसे इंसर्ट करोगे, देन आपको आराम से जेंटली इसको स्ट्रेट करना है और नीचे की ओर इस तरह से खींचना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे आपको वजाइना एंड सर्विक्स दोनों क्लियर देखने को मिलेंगे. क्यों देखना है हमें वजाइना और सर्विक्स? वजाइना में इन्फेक्शन हुआ है तो देख सकते हो, ब्लीडिंग हो रही है तो देख सकते हो, कोई सर्जरी हो रही है तो देख सकते हो. इसके अलावा सर्विक्स में अगर आपको देखना है कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसको देख सकते हो. मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट? सो दिस इज़ फॉर मैनी मल्टीपल पर्पज़. एक और कंडीशन है, आपको कब इसको यूज़ करना है? जब आपके पास कोई असिस्टेंट हो. विदाउट असिस्टेंट आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो. व्हाई? क्योंकि समवन हैव टू होल्ड दिस, ठीक है? अगर कोई इसको होल्ड करके नीचे की ओर स्ट्रेच करेगा तभी आप वजाइना में कुछ ना कुछ प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है वजाइना में तो एक असिस्टेंट आपके पास होना चाहिए जो इसको इस तरह से होल्ड करे और आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर पाओ, ठीक है? सो दिस इज सिम्स डबल ब्लेडेड, दो ब्लेड है, पोस्टीरियर वजाइनल स्पेकुलम. थैंक यू.